बिरंची नारायण जो अपने घृणित कार्यों के लिए बोकारो ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में फेमस हैं, उन बिरंची नारायण के अंदर कितना नफरत भरा है किसी समुदाय के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। बिरंची नारायण सिर्फ घृणित मानसिकता के ही नहीं है, बकायदा उनके दिल में, उनके मस्तिष्क में और उनके पूरे दिमाग में नफरत भी भरा हुआ है। वो कैसे हर लड़ाई को हिंदू मुसलमान का एंगल देना चाहते हैं, हर मांग को हिंदू मुसलमान का एंगल देना चाहते हैं और बोकारो को हमेशा किसी ना किसी तरीके से हिंदू मुसलमान करके बर्बाद करना चाहते हैं। हालांकि वो बोकारो के हैं नहीं, इसलिए बोकारो के उस समरसता को, सामाजिक समरसता को बर्बाद कर रहे, वो कसर नहीं छोड़ते। बिरंची नारायण हर बार ये कोशिश करते हैं कि बोकारो में जब रोजी रोजगार के मुद्दे पर बातचीत हो तो वो उस रोजी रोजगार अधिकार के सवाल को हिंदू मुसलमान के एंगल से घुमा दे, ताकि उनका अपना जो वोट बैंक है वो जिंदा रहे। वोट बैंक इन द सेंस उनका जो खटाल वाला वोट बैंक है, जहां अतिक्रमणकारी रहते हैं, उनका वो वोट बैंक जिंदा रहे। बिरंची नारायण भले ही विस्थापित क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन उनके जहन में ना तो विस्थापितों के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है और ना ही विस्थापितों के प्रति कोई आस्था दिखाई पड़ती। आस्था का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिनकी जमीन पर बोकारो बरसा है और जिस बोकारो के वो विधायक हैं, उनको उनके प्रति आस्था तो दिखा नहीं पड़ेगी। अब अचानक बिरंची नारायण का जिक्र और इतने बेहतर बेहतर शब्दों से उनको अलंकृत करने का क्या कारण है, वो हम आपको बताते हैं। 17 जून को यानी बकरीद के दिन बोकारो में, क्या पूरे झारखंड में बारिश हुई, जोरदार आंधी चली, जोरदार तूफान चला और उस तूफान बारिश में कई जगह कई कई तरीके की घटनाएं हुई। कहीं पेड़ गिरा, कहीं कुछ गिरा, कहीं बिजली गिरी, कहीं वज्रपात हुआ और उस वज्रपात में कई घटनाएं घटी। पेड़ गिरा तो तार गिरे और तार गिरे तो फिर कई घटनाएं हुई। उसी प्रकार बोकारो के भर्रा बस्ती के इलाके में, भर्रा बस्ती का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, उसके सामने एक अवैध खटाल बसता है, जो विस्थापितों की जमीन जो सेल को दी गई थी प्लांट के नाम पर, वहाँ अवैध खटाल बसाया गया और उस अवैध खटाल को संरक्षण प्राप्त है वर्तमान जो बोकारो के विधायक हैं उनको। अब ये भी क्यों कह रहे हैं हम बताते हैं। तो उस अवैध खटाल और भर्रा बस्ती के बीच में जो पुल है, उसी के आसपास सेक्टर 1B का एक मवेशी, दो मवेशी शायद, तार गिरता है तो दो मवेशी मर जाते हैं। उन मवेशियों का संबंध सेक्टर 1C से नहीं था, जहां से उस खटाल, जो खटाल से रास्ते से गुजरकर भर्रा बस्ती जाते, उस खटाल से उस मवेशी का संबंध नहीं था। मवेशी दूसरे किसी और खटाल का था, लेकिन क्योंकि खटाल वासियों को हमेशा उत्सुकता होती है दंगा करने की, उपद्रव मचाने की, अवैध तरीके से आए लोगों को हमेशा उपद्रव मचाने की उत्सुकता होती, हुआ वही। जब मवेशी मर जाते हैं, बारिश ख़त्म हो जाती है, हवा पानी ख़त्म हो जाता है, तूफान ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मवेशी जहां पर मरा था उस पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया जाता, उस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता, जबकि उस मवेशी के मरने में किसी प्रकार के किसी भी मानव की कोई गलती नहीं थी, जबकि वो प्राकृतिक मसला था। उसके बावजूद भी जो वहाँ अतिक्रमणकारी रह रहे हैं, जो अवैध तब से खटाल बसाए हुए हैं, जो उग्र होकर हमेशा इस तरीके की घटना को अंजाम देते, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया। रोड ब्लॉक हुआ और उस जो भी लोग बारिश ख़त्म होने के बाद, तूफान ख़त्म होने के बाद भर्रा बस्ती की तरफ जाने की कोशिश किए, और वहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं है भर्रा बस्ती में, बाकायदा तुरी समुदाय के लोग हैं, ठाकुर समुदाय के लोग हैं और आदिवासी समुदाय के लोग, ये तमाम लोग स्थानीय हैं। तो वो जो लब जब वो लोग उस तरफ जाने की कोशिश किए, तो जो अवैध खटाल बसाया गया है बाहरियों के द्वारा, वो उन लोगों ने उन पर हमला किया, कई लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दी, कई लोगों को मारा पीटा गया। उसके बाद ये माहौल पूरा भड़क गया, अवैध खटाल वालों ने काट दिया बिजली कनेक्शन भर्रा बस्ती का, जो भर्रा बस्ती पुनर्वास क्षेत्र में बसा हुआ है, जो पूरी तरीके से लीगल है और वैध है, उसकी बिजली, उसका पानी अवैध रूप से रह रहे खटाल वासियों ने काट दिया। ये सब कुछ हुआ, ये बात की चीज़ें हमने पहले भी आपको दिखाई, लेकिन थोड़ा विधायक के नफरती लहजे को और नफरती पने को हम आपके बीच लाना चाहते हैं, उनके मानसिकता, नफरती वाला जो मानसिकता, वो आपके बीच लाना चाहते हैं। उसके बाद ये सब कुछ हुआ, मारपीट हुई, उस मारपीट में
खटाल वाले जो हैं वो चाकू तलवार पत्थर सब लेकर आए थे। एक वीडियो में देखिए कि एक व्यक्ति के पीछे चाकू है, खंजर है, और उसी खंजर से एक व्यक्ति जो भर्रा बस्ती का था, गुलजार नाम था, उसके ऊपर हमला हुआ। उसको यहाँ पर 18 टाके लगे हैं और उसके गर्दन पर भी लगभग 7-8 टाके लगे हैं माथे के जगह, और उसी चाकू से हमला किया गया। उस हमले में डीएसपी को भी चोट आई है, डीएसपी जो वहाँ के थे उनको भी चोट आया, उनको भी खून निकला। उसके बाद तमाम जो मामले आए वो आप तमाम लोगों ने देखे, कैसे जब ये घटना हुई, एक आम विधायक जब होता है तो कहीं किसी प्रकार की इस तरीके की घटना होती है, दो पक्षों में लड़ाई होता है, किसी भी तरीके का झगड़ा होता है, तो एक आम विधायक जो होता है उसका ये काम होता है कि वो दोनों पक्षों के बीच में सुलह कराए, बैठकर बातचीत करे। लेकिन बिरंची नारायण तो बिरंची नारायण ठहरे, उनके दिमाग में घृणा, उनके दिमाग में नफरत, उनके दिमाग में अजीब अजीब की तीर चीज़ें चलती ही रहती हैं। उन्होंने एक पक्ष पर अपनी बात रखनी शुरू की, यानी वो मुसलमान पक्ष के खिलाफ बोलने लगे, और जो बाहरी पक्ष था जो अवैध खटाल पक्ष है, उनके खिलाफ उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और ये माहौल बनाया कि भर्रा में जो लोग हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं और वो हिंसक हैं, जबकि एकदम ऐसा नहीं था। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की कतई नहीं थी, ये लड़ाई बाहरी और भीतरी की थी, ये लड़ाई उनकी थी जो वहाँ पुरखों से रह रहे हैं, और ये लड़ाई उनके बीच की थी जो वहाँ अवैध रूप से आए हैं। लेकिन विधायक तो भाई नफरती चिंटू हैं, उनको किसी भी तरीके से नफरत का बीज बोना था। अब ये हुआ, एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने हिंदू पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया और मुस्लिम पक्ष के गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया, ये दोहरा चरित्र है। मैंने आज डीसी को भी मिलके यही कहा, एसपी को भी मिलके कहा कि अगर गिरफ्तारी आपने हिंदू के पक्ष से किया है तो गिरफ्तारी जो मुसलमान पक्ष के गुंडे हैं उस पक्ष के भी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और नहीं तो विधायक बिरंची नारायण जी आपके घृणित मानसिकता को साफ करने के लिए और आपके अंदर जो घृणा है, जो आप मानसिक रोगी की तरह बात करते हैं, उसको और बेहतर ठीक करने के लिए हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आपने अपनी बातचीत में हिंदू पक्ष कहा और मुस्लिम पक्ष के गुंडे कहे। गुंडा किसी एक समुदाय, एक किसी जात का या किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। हिंदू पक्ष हो गया आपके लिए और मुसलमान गुंडे हो गए, ये कितनी घृणित मानसिकता है। हालांकि लड़ाई बाहरी भीतरी की थी, किसी प्रकार से हिंदू मुसलमान नहीं था, लेकिन बिरंची नारायण जैसे घटिया मानसिकता के लोगों ने बोकारो के माहौल को हमेशा ऐसे ही अशांत करने की कोशिश की और अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए तैयार रहे हैं। इस बातचीत में उन्होंने और एक बात कही कि अगर उस तरफ से, यानी जब किसी तरीके का झगड़ा हुआ है तो गिरफ्तारी दोनों तरफ से हाई होनी चाहिए, तब समझौता होगा। दोनों में अगर समझौते की बात होती है तो वो भी करिए, लेकिन समझौता तब करिए जब दो इधर से भेजा है तो दो उधर से भी भेजिए। क्या घटिया मानसिकता है विधायक साहब आपकी, आप खुद सोचिए। कहीं किसी व्यक्ति की मौत हो गई या किसी का हत्या हो गया या किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वहां दूसरा एक्सीडेंट हो तब समझौता होगा? अगर आपको कोई व्यक्ति एक थाप मार देता है तो आप दो थाप मारेंगे तब समझौता होगा? आपके विधायकी कार्यकाल में अगर किसी आपके परिचित व्यक्ति की हत्या हो जाती है, होना नहीं चाहिए लेकिन अगर हो जाती है, तो क्या आप सामने वाले व्यक्ति की हत्या करने के बाद समझौता की बात करेंगे? कितनी घृणित मानसिकता है। वो कह रहे हैं कि जब तक इधर से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो उधर से भी दो लोगों की गिरफ्तारी, समझौता तब होगा। ऐसे ऐसे घटिया लोगों का जो मूल निवास स्थान है वो कांके होना चाहिए, बोकारो न होना चाहिए। हम ये बहुत क्लियर कट बता देना चाहते हैं। बोकारो की जनता ने जिनको विधायक चुना है वो विधायक नहीं, बकायदा नफरती चिंटू हैं। नफरती जो भी वर्ड कह ले आप, नफरत के साथ जोड़ ले, वो भी कम होगा विधायक बिरंची नारायण। इनके इतिहास में दंगा है, इससे पहले भी उन्होंने ऐसे ही कोशिश की बोकारो को दंगे की आग में झोंकने की, और वहाँ से वो भाग निकले। उसके बाद उनका घृणित वीडियो बाजार में आया, फिर वो वहाँ बोल गए कि ये तो एडिटेड है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी एडिटेड और नॉन एडिटेड जानते हैं, वो क्या था क्या नहीं था सब जानता है, फिर भी लोगों ने आपको बना दिया विधायक। उसके बाद भी आपकी घटिया मानसिकता खत्म नहीं हुई। बोकारो को अब कितना जलाएंगे आप, हिंदू मुसलमान के
इस लड़ाई में, इस आग में कितना झोंकेंगे पता नहीं। वो आगे कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बोकारो का एक एक भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर विरोध करेगा। कि अगर गिरफ्तारी आपने हिंदू के पक्ष से किया है तो गिरफ्तारी जो मुसलमान पक्ष के गुंडे हैं उस पक्ष के भी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा। मैंने 48 घंटे का समय दिया है, 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग सड़क पर भारतीय जनता पार्टी उतर इसका जोरदार विरोध करेंगे। बेशर्मी की हद पार कर दी है वीरेंची नारायण ने। बोकारो का एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए उतरेगा कि मुसलमान पक्ष की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन आपका और आपका कार्यकर्ता या बोकारो का भाजपा कार्यकर्ता इस बात के लिए कभी सड़क पर नहीं उतरेगा कि अवैध तरीके से बोकारो की जमीन पर खटाल बैसा दिया गया। वीरेंची नारायण कभी आप सड़क पर नहीं उतरेंगे कि सेल ने वहां के विस्थापितों को नौकरी नहीं दी और दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। वीरेंची नारायण आप और आपके भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर इस बात के लिए नहीं उतरेंगे कि बोकारो के सेल ने बोकारो के मूल रैयत विस्थापितों के युवाओं को बर्बाद कर दिया। 19 विस्थापित गांव में बिजली नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरीके से, 19 विस्थापित गांव में उनको अधिकार नहीं मिला है, 19 विस्थापित गांव में सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, 19 विस्थापित गांव में आज भी पंचायत चुनाव नहीं होता है, नगर निगम चुनाव नहीं होता है। इसके विरोध में वीरेंची नारायण उनके भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर नहीं उतरेंगे। वो उतरेंगे मुसलमानों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो। इतना नफरत जिसमें डालकर, मन में डालकर कैसे जिंदा रह पाते हैं आप माननीय वीरेंची नारायण जी? कैसे एक राजनेता, एक प्रतिनिधि किसी समुदाय, किसी जाति, किसी विशेष वर्ग का कतई नहीं होता है, लेकिन आपके दिमाग की नफरत कब शांत होगी पता ही नहीं चल रहा। आपने इससे पहले भी एक बार बोकारो को किस तरीके से जलाने की कोशिश की वो पूरा बोकारो जानता। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि घृणित मानसिकता और निहायती नफरती हैं बोकारो के विधायक वीरेंची नारायण। इस वीडियो का विश्लेषण यही था कि किस तरीके से बोकारो के विधायक बोकारो को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं, बोकारो को सांप्रदायिक आग में झोंककर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा उन तमाम विस्थापितों से जो इस बोकारो की धरती के हैं, वो इस नफरत की आग में खुद को जलने ना दे, वह इस हिंदू मुसलमान के बेफालतू की बातों पर पढ़कर अपने अधिकारों का हनन होने ना दे। बाकी वीरेंची नारायण ने कभी बोकारो के मूल विकास के लिए कोई बातचीत नहीं की। रोड नाली विकास का मुद्दा है ही नहीं बोकारो का, वहाँ के जो विस्थापित हैं उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, ये मूल लड़ाई है। बोकारो की मूल लड़ाई वहाँ के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की, लेकिन इस स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हुए वीरेंची नारायण ने अपना निजी अस्पताल खोलने के लिए एक बड़ा प्लॉट खरीदा, प्लॉट पर बिल्डिंग बन रहा है, काम चल रहा है, लेकिन किसी तरीके से सरकारी व्यवस्था पर कोई बात नहीं। क्या बोकारो का वह व्यक्ति जिसकी मजदूरी पर डे 200-300 रुपए की है, वो क्या वीरेंची नारायण को अस्पताल में इलाज करा पाएगा? वीरेंची नारायण पीठ थपथपाते हैं कि एयरपोर्ट होने वाला है। क्या बोकारो के जिस मजदूर की डेली मजदूरी 300 रुपए है, क्या वो वीरेंची नारायण के बनाए हुए उस एयरपोर्ट में जा पाएगा क्या? क्या जिस स्टेडियम का हवाला विकास को बताते हैं, जिस स्टेडियम का हवाला देते हुए बोकारो में विकास हुआ या बाद वीरेंची नारायण बताते हैं, तो क्या 300 रुपए पर डे कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर बोकारो का मूल रैयत विस्थापित, क्या उस स्टेडियम में जाकर क्रिकेट खेलेगा या उसके परिवार क्या कोई बच्चा क्रिकेट खेलेगा? बोकारो का मूल सवाल वहाँ के विस्थापितों का अधिकार है, बोकारो का मूल सवाल वहाँ के विस्थापितों को नहीं मिल रहा रोजगार है, बोकारो का मूल सवाल वहाँ के जमीनों पर अवैध हो रहा अतिक्रमण है, लेकिन इससे वीरेंची नारायण कभी भी बात ही नहीं करना चाहते, इस पर उनका कोई बातचीत नहीं। ये वीडियो है, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं आप जरूर दें। बाकी मिलते हैं, जय हिंद।